समाजवादी पार्टी ने अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और सपा नेता जावेद अली खान को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। सपा फिलहाल 3 लोगों को राज्यसभा भेजने की स्थिति में है और उसने इन 3 नेताओं के नाम पर मोहर लगाई है। बता दें कि राज्यसभा की कई सीटों के लिए 31 मई तक नामांकन भरा जाना है, जबकि 10 जून को मतदान होगा। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की राज्यसभा सदस्यता खत्म होने वाली है, जबकि सपा के खाते से पहले भी जावेद अली खान राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। इससे पहले अटकलें थी कि कपिल सिब्बल झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से राज्यसभा में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अब सपा ने सभी कयासों पर विराम लगा दिया। माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर सपा आजम खान की नाराजगी को भी दूर कर सकती है और इसी कड़ी में उसे एक बड़ा कानूनी सलाहकार भी मिल जाएगा। बात अगर बीजेपी की करें तो राज्यसभा उम्मीदवार तय करने के लिए राज्यों ने केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है कि पार्टी स्थानीय नेताओं को प्राथमिकता दे। माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान जल्दी राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाएगा और कई नए चेहरों को जगह दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी 11 राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है और वो 22 सीट अपनी झोली में डाल सकती है।